मॉर्निंग जी सभी को, राम राम। आज है 1st of August और मैं बद्रीनाथ से नीचे की तरफ आ गया हूँ। मैं नीचे गोविंद घाट की तरफ आ गया हूँ बद्रीनाथ से नीचे आज। और अभी हम हिचहाइक करेंगे आपका। ऑलरेडी मैंने रास्ते में शूट तो किया था, तो मैं रास्ते का शूट नहीं करूँगा। विष्णु प्रयाग तक हम हिचहाइक करेंगे यहाँ से। ये एक बार वैली का आप व्यू देख लीजिए। हिचहाइक करके मैं पहुंच गया हूँ आपका विष्णु प्रयाग। नीचे मंदिर भी है, चलते हैं। यहाँ पर नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली पहले वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क अलग था, नंदा देवी नेशनल पार्क अलग था। ये दोनों क्षेत्र आपके बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली रीजन के बिटवीन में आते हैं। 2006 में इसे यूनेस्को ने इसको एक्सपेंड कर दिया और इसको एक बना दिया, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क दोनों को एक। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी वेजिटेशन भी है। मतलब देखा जाए तो जो भी हम चल भी रहे हैं तो ये सारा नेशनल पार्क का एरिया है, बट इसकी एंट्री डिफरेंट जगह से डिफरेंट पॉइंट्स पे है। तो चलिए एक बार आइए विष्णु, मेरा जो आखिरी प्रयाग बचा था, श्री विष्णु प्रयाग वैकुंठ धाम, चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर अलकनंदा नदी के साथ धौली गंगा का समागम होता है, मिलन होता है। ये हम पीछे से आ रहे थे, वो अलकनंदा नदी के साथ साथ चल रही थी, ये सामने से धौली गंगा साथ आ रही हैं। जय श्री हरि। ये भगवान विष्णु नारायण मंदिर है सामने। भैरवनाथ मंदिर है इसके बगल में। हर हर महादेव। ये धौली गंगा आ रही है और ये पीछे अलकनंदा है, ये अलकनंदा आ रही है और इधर से धौली गंगा आ रही है। इन दोनों का जो मिलन होता है इसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। माना जाता है कि मैंने जो पढ़ा इसके बारे में, जो ऋषि नारद हुआ करते थे देवलोक में, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने यहाँ अवतार लेकर मतलब अवतरित हुए थे और उनको आशीर्वाद दिया था। ये धौली गंगा आ रही है पीछे से। चलिए चलते हैं आगे। अब ये सामने श्री स्वामी नारायण मंदिर। ये मैं जोशी मठ आ गया था। जोशी मठ से अब मैं जा रहा हूँ वापस चमोली की तरफ। एक्चुअली आते समय मैं शूट नहीं कर पाया था रास्ते का, तो अब मेरा प्लान है ऐसा कुछ करने का। और ये भैया हैं, इन्होंने हमें लिफ्ट दी है जो कि 14 किलोमीटर कुछ आसपास छोड़ देंगे हमें, तो जहाँ तक भी चलते हैं बढ़िया रहेगा।
Thank you.